नहीं पेंशन बहाल करो। उपवास का कार्यक्रम है जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के है। हम लोग लगातार जो है 2016 से अटेवा लगातार पुरानी पेंशन एक मुद्दे पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। ये दोनों संगठन अटेवा प्रदेश स्तर पर और NMOPS राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो पुरानी पेंशन बहाली के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। आज हम लोगों ने एक ये अनोखा कार्यक्रम रखा हुआ है कि हम लोग 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक देश के प्रत्येक माननीय सांसदों के घर पर उपवास करके ये संदेश देंगे कि हम भूखे प्यासे रह सकते हैं लेकिन पेंशन को नहीं छोड़ सकते हैं। हम पेंशन बहाली के लिए जो भी हमें तकलीफ देनी होगी, जो भी हमें संघर्ष करना होगा, शांतिपूर्ण समाप्त कर दी गई है और उनको नई पेंशन व्यवस्था दी गई है उसका हम विरोध कर रहे हैं। और अटेवा जो अटेवा और NMOPS के बैनर तले आज संपूर्ण भारत के सभी सांसदों के आवास पर एक दिवसीय सामूहिक उपवास का कार्यक्रम है। उसी कड़ी में आज हम फतेहपुर सीकरी के सांसद चौधरी बाबूलाल जी के आवास पर आगे क्या रणनीति रहेगी अगर आज आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो? आगे 2019 का चुनाव है तो हम सरकार को बताना चाहते हैं कि पूरे भारत में हम 60 लाख एम्प्लॉई हैं। 60 लाख एम्प्लॉई के अगर एक परिवार से 5 वोट है तो बहुत सारे वोट 2 करोड़ वोट हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करें। योगी आदित्यनाथ जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम एक कमेटी बनाएंगे। हमें सर कमेटी नहीं चाहिए, हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। अगर सरकार अभी नहीं चेती, आज हम सभी सांसदों के आवास पे और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के दिन संसद मार्च करेंगे, जंतर मंतर से संसद मार्च करेंगे और पूरे भारत के एम्प्लॉई वहाँ आ रहे हैं। लगभग 10 लाख के वहाँ पे भीड़ का